नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्तों घूमर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों घूमर फिल्म के कलेक्शन तो काफी कमा रहे हैं, इसके बारे में लगातार आपको बता रहा हूँ कि फिल्म की रिलीज डेट सही जगह नहीं थी। गदर 2 और ओएमजी 2 के सामने रिलीज नहीं करनी चाहिए थी और आज ड्रीम गर्ल 2 भी आ गई है। अगर इसी को एशिया कप या वर्ल्ड कप के आसपास रिलीज किया जाता है या जुलाई में रिलीज कर दिया जाता है तो फिल्म के कलेक्शन कुछ और होते, क्योंकि फिल्म वाकई बहुत ही बेहतरीन है, माइंड ब्लोइंग सुपर मूवी है। काफी अच्छे रिव्यूज मिले, पॉजिटिव रिव्यूज मिले। अभिषेक बच्चन की जबरदस्त एक एक्टिंग है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज करियर। साथ में सियामी खेर का भी जबरदस्त रोल है। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, अब जो भी हो गया उसका तो क्या किया जा सकता है। जहां तक कलेक्शन की बात करें, डे 4 को 0.34 करोड़ मतलब 34 लाख का, डे 5 को 37 लाख का कलेक्शन आया है। मतलब मंडे को 34 लाख, ट्यूजडे को थोड़ा बड़ा है 37 लाख आया है और बुधवार को दोस्तों 35 लाख का। मतलब इस रेंज में चल रही है फिल्म, अपने आप को कलेक्शन को मेंटेन करके रखे हुई है, ये भी एक बड़ी बात है। डे 7 यानी कि कल फिल्म का कलेक्शन करीब करीब दोस्तों 36 लाख रुपए का आया है, जब तक मेरे पास रिपोर्ट है। तो इस प्रकार से दोस्तों कलेक्शन हो जाता है 4.87 करोड़ रुपए, 4 करोड़ 87 लाख रुपए का कलेक्शन शुरुआती 6 दिनों का हो जाता है, शुरुआती 7 दिनों का हो जाता है। 7 दिनों का मतलब लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास फिल्म है। और कल की अगर थिएटर ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ओवरऑल थिएटर ऑक्यूपेंसी 14.97% थी, जो ठीक कही जा सकती है, बुरी नहीं कही जा सकती, क्योंकि शोज कम है इसलिए ऑक्यूपेंसी ठीक ही रहेगी। अगर शोज ज्यादा होती तो ऑक्यूपेंसी कम भी हो सकती थी, बढ़ भी सकती थी, और डिपेंड करता था कि कितने लोग फिल्म देखने जाते हैं। कई जगह तो फिल्म लगी ही नहीं है, कई जगह तो फिल्म को शोज ही नहीं मिले, बहुत से कमेंट्स मेरे पास भी आ रहे हैं। मॉर्निंग में 9.65% की थिएटर ऑक्यूपेंसी थी, कल आफ्टरनून को 13.70% बढ़कर के हो गई, इवनिंग शो में 14.67% और नाइट शो में 21.85% थिएटर ऑक्यूपेंसी, जो काफी अच्छी कही जा सकती है। मतलब मल्टीप्लेक्स के जो दर्शक है उनको फिल्म पसंद आ रही है, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स और मासेज को फिल्म पसंद नहीं आ रही, क्योंकि अलग तरह की मूवी है, एक ऐसी मूवी है जो हर किसी को पसंद नहीं आने वाली है। जिनको एक्शन मूवी आजकल की फिल्में पसंद आती है, वैसी फिल्म ये नहीं है। तो ये तो एक फिल्म का ड्रॉबैक है ही, क्योंकि आजकल सभी लोग ज़्यादातर जो यूथ है वो इस प्रकार की फिल्में ज़्यादा पसंद करते नहीं, उनको मास एंटरटेनिंग मूवी चाहिए, पठान गदर इस तरह की फिल्में। खैर कोई बात नहीं है दोस्तों, जहाँ तक आज के कलेक्शन की बात करें तो आज भी फिल्म कल के मुकाबले अच्छा कलेक्शन करेगी और 40 लाख का कलेक्शन लगभग करने वाली है। तो ये अच्छी बात है कि फिल्म लगातार रेस में बनी हुई है, आउट ऑफ रेस नहीं हुई है, अभी तक दौड़ में बनी हुई है। कलेक्शन चाहे 35 लाख 40 लाख की रेंज में आ रहे हो, लेकिन फिल्म अभी भी टिकी हुई है। और आज ड्रीम गर्ल 2 भी रिलीज हुई है, तो तब भी 40 लाख का कलेक्शन अगर फिल्म कहा जाता है तो काफी अच्छा कहा जाएगा। 5.27 करोड़ रुपए फिल्म का अब तक का मतलब टोटल कलेक्शन हो गया है, 5 करोड़ 27 लाख रुपए। अब आज इसमें 40 लाख में थोड़ा कम भी हो सकता है, 2-4 लाख इधर उधर हो सकता है, कमी या ज्यादा, वो मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। शोज फिल्म के पास ठीक ठाक है, मुंबई में करीब इस समय जब मैंने वीडियो बनाया था तो करीब करीब 122-123 शोज थे और दिल्ली एनसीआर में भी 100 से ऊपर ही शो थे। तो ठीक है, शोज थोड़े कम हुए जरूर, 143 शो थे स्टार्टिंग के अंदर, तो 10-15 शोज कम हुए हैं। और नई फिल्म रिलीज होती है तो होते भी है, लेकिन कुल मिलाकर के दिल्ली में 134 शोज की रिपोर्टिंग है अभी, और मुंबई में 107 के करीब शोज है अभी, जो लेटेस्ट रिपोर्ट बता दूं मैं आपको। तो कुल मिलाकर के ठीक है, अब डिपेंड सब कुछ ये करेगा कि शनिवार रविवार को कल और परसों फिल्म कितनी बड़ी वापसी करती है। कल और परसों बढ़िया कलेक्शन कर ले फिल्म तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों फिर फिल्म के पास ज़्यादा नहीं रहेगा, मंडे से फिर बहुत ज़्यादा ड्रॉप आएगा, फिर जवान भी आने वाली है। तो फिल्म अगर 10 करोड़ भी कर लेती है तो ठीक कहा जाएगा, क्योंकि फिल्म का बजट ज़्यादा नहीं है, करीब 15-20 करोड़ रुपये ही फिल्म का बजट है। तो अगर फिल्म अपने बजट के आसपास भी पहुंच जाती है तो फिल्म को एवरेज का वर्डिक्ट मिल सकता है, भी मैं ऐसा मानता हूँ। अब देखते हैं ये कर पाती है या नहीं कर पाती है। फिर फिल्म OTT पर रिलीज होगी तो OTT से थोड़ा पैसा आ जाएगा प्रोड्यूसर के पास, म्यूजिक राइट, सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल राइट्स से आ जाएगा, तो जो प्रोड्यूसर है वो घाटे में नहीं रहने वाले हैं। अभिषेक बच्चन भी को प्रोड्यूसर हो, प्रोडक्शन की फिल्म है तो प्रोड्यूसर घाटे में नहीं जाएंगे, पहली बात बता दूं आपको। और दूसरी बात यह कि OTT पर फिल्म को काफी अच्छी व्यूज मिलेंगे, काफी अच्छी प्रशंसा प्राप्त होगी, क्रिटिकली ये फिल्म काफी ज्यादा सराही गई है, तो इस फिल्म के लिए अभिषेक बच्चन को अवार्ड भी मिल सकता है, सियामी खेर को भी अवार्ड मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के अभिषेक बच्चन को कहीं भी किसी भी तरह से एक नुकसान इस फिल्म से नहीं होने वाला है। और अब अगली फिल्म जो वो थिएटर में लेके आए तो काफी बड़ी फिल्म लेकर के आए, अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर के आए, काफी अच्छा प्रमोशन करे, तो फिर दोबारा वापसी उनकी जबरदस्त होगी। हालांकि उनकी अभिनय की जरूर तारीफ होगी और उन्हें अवार्ड जरूर इस फिल्म के लिए मिल सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय बोलना।